हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी आज के इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है, तो कल के दिन क्या व्यू रहेगा हमारा, कहाँ पे बाय और सेल बन सकता है, वो व्यू हम देखेंगे। यहाँ पे कौन से लेवल्स रहेंगे हमारे पास कल के लिए, कौन सा रेंज रहेगा हमारे पास ट्रेड करने के लिए, तो वो सब पूरा जो भी प्लानिंग रहेगा कल का, वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और दूसरा, अभी आज का अगर कहा जाए तो आज था हमारा इंडियन मतलब यूनियन बजट डे, तो मार्केट में आज अच्छा खासा हमें दोनों साइड मूवमेंट्स देखने को मिले हैं, बड़े बड़े कैंडल्स के साथ हैवी वॉलीटिलिटी आज मार्केट में हमें देखने को मिली। और एक दूसरा, जैसे कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताया था जो लेवल्स दिए थे, जो रेंज दिया था, जो आपको व्यू बताया था एग्जैक्टली डॉट टू डॉट लेवल्स के साथ टारगेट है ना, अपर साइड डाउन साइड जो भी है, दोनों साइड हमारा एग्जैक्टली हिट होता हुआ दिखा है। मतलब एक आज शानदार दिन रहा है। हो सकता है वॉलीटिलिटी ज़्यादा होने के कारण एक दो बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, क्योंकि कल ही मैंने आपको बता दिया था कि स्टॉप लॉस हमें मिनिमम 100 पॉइंट लेके चलना है, क्योंकि वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर कैंडल्स की अगर बात की जाए निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो 200-300 पॉइंट की यूं ही कैंडल्स एक ही 5 मिनट के या 1 मिनट में कैंडल्स बन जा रही थी, तो हो सकता है एक दो स्टॉप लॉस उसमें आपके हिट हुए होंगे। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत ही काम आया होगा, पर लगता नहीं है कि मुझे कि आपने कुछ खास वीडियो मतलब पूरा देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखे हम देखे तो उतने कुछ खास व्यू नहीं आए, पर जिन लोगों ने भी देखा होगा तो उनको बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वो आशा करूँगा कि वो लोग एक अच्छा सा बढ़िया सा प्रॉफिट बना पाए होंगे। बाकी अगर दूसरे लोग जो है, जो बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख के उसके चक्कर में कि हमारा भी यहाँ पे एक ऐसा स्क्रीनशॉट हम भी बनाएंगे, मतलब ऐसा बड़ा प्रॉफिट बना के, अगर उस चक्कर में कोई अगर कोई इधर उधर भागा होगा, तो मुझे इतना तो विश्वास है कि वो लोग अपना स्क्रीनशॉट खींचने के लायक नहीं रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हम थोड़ी सी हंसी आ रही है, माफ करना। पर जो कम्युनिटी पेज में अगर हम देखें, तो जो मैं डेली पोल डालता हूँ, मैं कितना क्या मतलब आपका क्या प्रॉफिट लॉस कैसा दिन रहा, तो वो अगर यहाँ पे देखे तो आज तो मेरा स्वाभाविक है मेरा प्रॉफिट हुआ, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा अगर पोल देखते हैं तो हमें लॉसेस वाले ज़्यादा दिखते हैं, मतलब वही है दूसरों के स्क्रीनशॉट देख के अपने स्क्रीनशॉट खींचने लायक नहीं रहते, ये वही लोग है ना। तो ये चलिए अभी ये सब से हटते हैं। जैसे कि कल आपको मैं बताया था कि मेरा व्यू बुलिश है ना, और बुलिश कहाँ तक वो भी आपको लेवल्स दिए थे, क्या लेवल्स दिए थे, टारगेट आपको क्या, सिंपल एक ही रूल में आपको बताया था कि 1 डे टाइम फ्रेम पे जाना है आपको, 10 और 20 मूविंग एवरेज आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट करना है, मार्केट कहीं भी ओपन होता है साइडवेज गैप डाउन गैप अप जो भी हो, इसके ये जो लेवल्स आपके दिए थे उसके ऊपर हम पॉजिटिव थे, मतलब ये कोई भी डिप मिलता है सपोर्ट मिलता है हम बाय लेके चलेंगे, और जो टारगेट रहेंगे हमारे 10 और 20 मूविंग एवरेज क्लियर कट आपको मैंने बताया था कि आप अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर देना, वहीं तक हम ट्रैवल कर सकते हैं, वहीं से एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और फॉल देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्टली निफ्टी को आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो वहीं से रिजेक्शन लेता हुआ थोड़ा 10-20, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है, पर ऑलमोस्ट वहीं से टच करके टारगेट सारे हिट करके जो लेवल्स नीचे के लिए भी दिए थे वो भी हिट हुए हैं। और इन्हीं लेवल्स पे आपको बताया था कि फिर से हम यहाँ पर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी हो नीचे के लेवल पे फिर से अगर आता है तो फिर से हम वहीं से बाइंग करेंगे, बाइंग करने का सोचेंगे कोई पॉजिटिव कैंडल जो भी कुछ मिलता है चार्ट पैटर्न। आपको ऐसा क्लियर कट कल आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है विश्वास नहीं आ रहा है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। एग्जैक्टली हमें वहीं से लोअर लेवल से जो रेंज दिया था पॉइंट टू पॉइंट वही हमारे पास है, जहाँ से बाइंग बोला था बाइंग आई, जहाँ से सेलिंग बोला था सेलिंग आई, फिर से यहाँ से बाइंग बोला, एग्जैक्टली देख रहे हो आप है ना, एक दिन पहले आपको बताया था है ना। नहीं बाकी कि जैसे कि दूसरों की और मतलब टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मैं आपको लाइव
कमेंट्री देखूंगा, दूंगा ये वो, है ना, इस ग्रुप में जुड़ने का इतना चार्जेस। आपको ये सारा का सारा पूरा प्लानिंग एक दिन पहले एडवांस में, है ना, एकदम फ्री में मिल जा रहा है, जिसके मतलब इस लेवल्स के लिए बाकी लोग, अगर आप देखो कि मुझे पता नहीं है, फिर 10-15 हज़ार कुछ ऐसा होगा, वो इसके लिए बस इतने ही से ही लेवल्स के लिए आपके पास से चार्ज करते हैं, है ना, फिर भी आप प्रॉफिट अपने बना नहीं पाते हो, अपना ना तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो कि अपना प्रॉफिट का, कि मैं दूसरों को दिखाऊं कि मैंने ऐसा प्रॉफिट किया है, फिर भी आप वहीं पे भाग रहे हो। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ज़्यादा व्यू नहीं चाहिए, पर जितने भी लोग अगर दिख रहे हैं, 10-15 जो भी हो, है ना, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, कम से कम 1 लाइक तो कर दिया करो, बस मेरे को उतना ही चाहिए, और ज़्यादा मैं आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। तो सिंपल सा ये व्यू था, मतलब आज शानदार एक हमारा व्यू था जो आज का, और उसी हिसाब से मार्केट सेम काम करता हुआ दिखा है। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी में कब से आपको यहाँ पर सेलिंग की बात कर रहा हूँ, है ना, जब से ये ट्रायंगल फॉर्मेशन आपको मैं बताया, यहाँ पे मार्केट था, ये 3 दिन लगातार मैं आपको बोल रहा था कि ये लेवल जब आता है 43,000 का, वहाँ पे अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो हम वहीं से सेलिंग प्लानिंग करेंगे, और लेवल्स हमारे पास 41,800 का रहेगा, वो क्लियर कट आपको बताया था। अगर वो ट्रायंगल पैटर्न भी अगर ब्रेक होता है, तो आपको मैं ये भी लेवल्स सारे के सारे दिए थे, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो 41,800 देखने को मिलेगा, और ट्रायंगल पैटर्न हमारा ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट के सारे गैप, है ना, गैप याद रखना, गैप शब्द ये आपको मैंने आपको दिया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो याद होगा शायद, नहीं तो फिर चलो छोड़ो, आज अगर आपने फिर से सुन लिया तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मार्केट अभी सारे गैप फिल करने जा रहा है, ऑलमोस्ट 2-3 गैप तो इधर शायद ले लिया है इसने, हो गया, अभी इधर एक हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे कि अभी फिर से अगर 39,500 का लेवल अगर फिर से ब्रेक होता है बैंक निफ्टी का, तो फिर से हम एक ये वाला गैप, ये वाला स्विंग, और यहाँ तक 39,000 से नीचे हम जा सकते हैं 500 हज़ार पॉइंट का, मतलब ये लेवल टूटा हमारे पास तो समझ लो कि हज़ार हज़ार पॉइंट के हमारे पास फिर से एक नया रेंज डाउन साइड खुल जाएगा। अभी कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये तो अदानी के न्यूज के वजह से गिरा है, आज का भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कि अदानी का वो स्विस क्या बैंक है, उसने भी कुछ स्टेटमेंट दिया था कि वो बॉन्ड्स की वैल्यू 0 रहेगी, तो उसके चलते यहाँ पे गिरा है। वो न्यूज़ कब आया, आ जाए ना, लाइव मार्केट में आ जाए, बाद में आपको सब ने अगर बोला होगा टेलीग्राम ग्रुप में, भैया सेल करो सेल करो, ये न्यूज़ आया है, हमने तो कल ही इधर बता दिया था कि इसी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हम सेल करेंगे, है ना। मैं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एक इनसाइडर ट्रेडर हूँ, मेरे को पहले से पता चल जाता है कि अभी क्या होने वाला है कल, और मैं आपको पहले से यहाँ पे बता देता हूँ, नहीं भैया, मार्केट कोई न्यूज़ या रिपोर्ट पे नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। मार्केट का क्या है, मार्केट का काम क्या है, सिंपली अगर आपको बता दो कि वो कहावत है, जैसे कि एक कहावत है कि दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के गोली चलाना, है ना, तो मार्केट ने भी वही सेम यही वही काम किया, यहाँ पर भी वही काम किया, यहाँ पे उसको गिरना था तो उसके मतलब वो अपने इम्पोर्टेंट लेवल पे आके खड़ा रहेगा, ट्रायंगल पैटर्न का जो था रेसिस्टेंस एरिया, वहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर दिखाया और अदानी का न्यूज़ आ गया, मार्केट गिर गया, उसको तो गिरना ही था, पहले से प्लानिंग ही था, उसको हमने पहले ही इधर बता दिया था कि मार्केट अगर सस्टेन नहीं करा, ब्रेकआउट फेलियर दिखाया तो तुरंत ही मतलब हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है 2-3 दिन में, यहाँ पर तो हमें एक ही दिन में देखने को मिल गया। क्या हमको पहले से पता था कि अदानी का न्यूज़ आएगा, नहीं भैया, क्यों, हमें कैसा पता चला, हम स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहे थे, कैंडल्स को फॉलो कर रहे थे, तो सिंपली आपको मैं बता दूं कि मार्केट कोई न्यूज़ या रिपोर्ट पे नहीं चलता है, सिर्फ चार्ट को फॉलो करो, कैंडल स्टिक को देखो, चार्ट पैटर्न देखो, भाव को देखोगे तो आप अपने आप को आप मतलब अपने आप आपको पता चल जाए कि मार्केट अभी कहाँ जाने वाला है। ये लेवल्स में आपको आज टारगेट क्यों दिया था, इसी ट्रायंगल पैटर्न के चलते हुए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 और 20 मूविंग एवरेज था इसलिए मैंने ये टारगेट दिया था, इसका रीज़न क्लियर कट अगर मैं आपको बताऊँ, ये तो क्या बोलते हैं कोइंसिडेंस, यहाँ पे ये दो लाइन आ रही थी, अगर नहीं भी आता तो भी मैं आपको कल ही मैं आपको ये ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ पे ड्रॉ करके मैं बताता कि ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ है,
और ये उसका रिटेस्ट हुआ है, अभी उसका कंटिन्यू हो सकता है। अगर मान लो कि कल बैंक निफ्टी अपने लो फिर से ब्रेक करता है तो फिर उसका कंटिन्यूएशन होगा। अगर कंटिन्यूएशन अगर आपको पता हो कि किसी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होके रिटेस्ट होके अगर उसका कंटिन्यूएशन दिखता है हमें तो क्या हाल होता है। कोई भी पैटर्न हो, ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, कंटिन्यू, एक बहुत बड़ा हमें रैली देखने को मिलती है, चाहे वो अपर साइड की हो या डाउन साइड की हो। अभी यहाँ पर व्यू क्या रहेगा हमारा, जो कल तक हम सोच रहे थे बाय द डिप वाला, अभी यहाँ पे इग्नोर करेंगे। बाय द डिप कहाँ रहेगा, अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ इसके ऊपर जाके ही हम पॉजिटिव होंगे। लेवल्स हमारे पास यही रहेगा, ये व्यू रहेगा कि हम जब तक 42,000 के ऊपर नहीं निकलते तब तक हम एक पॉजिटिव व्यू नहीं रखेंगे। यहाँ पर किसी भी सपोर्ट या रेसिस्टेंट पे रिजेक्शन, रेसिस्टेंट पे रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ पे सेलिंग करेंगे, और सपोर्ट पे जो सपोर्ट एरिया है वहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव कैंडल चार्ट पैटर्न कुछ भी हो सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, रेंज बनाता है, ब्रेकआउट ऊपर साइड की तरफ देखता है, तो यहाँ पे हम एक बाय साइड का देख व्यू हमारा रहेगा। कब तक, जब तक ये रेंज में है तब तक, जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होता है तब तक, है ना, मतलब रेसिस्टेंट पे सेल, सपोर्ट पे बाय बाय द डिप व्यू हम नहीं रखेंगे। ज़्यादातर हम एक वही रिव्यू रखेंगे जब तक 42,000 के नीचे है, रेसिस्टेंट के पास आता है, एक कोई एक रिजेक्शन ढूंढेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के वहाँ पे सेलिंग करने की सोचेंगे। तो सिंपल सा यही व्यू रहेगा बैंक निफ्टी में। अभी निफ्टी के लेवल्स आपको इंट्राडे पहले आपको बता दूँ, बाद में बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स देखेंगे कल क्या प्लानिंग करना है। निफ्टी में भी सेम वही व्यू रहेगा हमारे पास, पॉजिटिव हम कब नहीं हुआ, कब तक नहीं रहेंगे, कि जैसे कि आपको मैं ये लेवल्स यहाँ पे दूँ, ये वाला ये 17,880, इसके ऊपर हम जब तक नहीं निकलते हैं तब तक हम पॉजिटिव व्यू नहीं लेके चलेंगे। पोजिशनली हम कब देखेंगे, जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा तब, मतलब कि मान लो कि वहाँ पे 18,000 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा, 18,000 के ऊपर ही हम एक पोजिशनल व्यू लेके चलेंगे कि यहाँ से अभी मार्केट निफ्टी ने रिवर्सल ले लिया है, अभी ये अपसाइड ट्रैवल करेगा। और एग्रेसिव सेलिंग लेवल्स हमारे पास क्या था, जो आज का जो आपका दिया था ये 17,530 का, इसके नीचे हम सेलिंग का सोचेंगे। एग्रेसिव सेलिंग ये ब्रेक होता है तब जब इस आज का दिन का लो, इसके नीचे हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा पोजिशनल व्यू हो गया। अब इंट्राडे कल क्या करना है वो आज देखेंगे। लेवल्स देखो आज भी मैं वही के वही रखूँगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी रेंज का बस थोड़ा सा छोटा करेंगे अपर साइड की तरफ से, जो लेवल्स आपको एक्स्ट्रा दिए हुए थे कल, कि अगर बाय चांस बहुत बड़ा रैली आता है तो 18,000 तक का तो हमने एक्सपेक्टेशन रखा था, आपको बताया था, और एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ मतलब मोस्ट वही तक ही आया, वहीं से रिवर्सल लिया हुआ है। तो इन लेवल्स को हम निकाल देंगे, बाकी अपर दो लेवल से ये निकल गए। अभी देखो कल क्या करना है निफ्टी में, इंट्राडे बेसिस पे बाय हम तभी करेंगे जब ये 20 मूविंग एवरेज, अभी भी मैं बोल रहा हूँ आप अपने चार्ट के ऊपर 10 EMA और 20 EMA, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज नहीं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और सेटिंग में आपको पता ही है क्या करना है, अगर नहीं पता है तो सेटिंग में देख लो 10 और 20 EMA कैसे लगाना है। तो सेटिंग में यहाँ पे आप जाओगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नेटवर्क का इश्यू रहता है मेरा। तो लेंथ में यहाँ पर जैसे कि मेरा एक EMA 10 है, दूसरा दो बार आपको लगाना है EMA, तो एक में 10 कर देना है, एक में 20 कर देना है। स्टाइल अपना कोई भी कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और मेथड की बात करें यहाँ पे, अगर कुछ और लगा हुआ है SMA WMA तो वहाँ पर भी हमें EMA कर देना है, बाकी सब कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस 10 और EMA करके सिंपली इसको सेव कर देना है। ये दोनों आप लगा के रखो, बहुत ही बढ़िया तरीके है। अगर इसको आप वन डे टाइम फ्रेम पे ले जाओ तो इसका क्रॉसओवर बहुत ही काम आता है। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे, जब 10 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अगर मान लो कि ऊपर से नीचे की ओर वो क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ से एक हमें बहुत बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिल सकता है।
एक हम पोजिशनल व्यू लेके चल सकते हैं वहाँ पे, एक स्विंग ट्रेड हम बना सकते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ। 4 घंटे और 1 डे टाइम फ्रेम, ये दो टाइम फ्रेम है वो, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपको इंट्राडे के लिए यूज़ करना है तो आप अगर मान लो कि सेफ ट्रेडर हो तो इसको 15 मिनट और 5 मिनट पे यूज़ करो, आपको इंट्राडे क्रॉस ओवर मतलब बढ़िया सा ट्रेड आपको मिल जाएगा। और थोड़ा आप मतलब एक्सपीरियंस वाले, मतलब आपको कुछ जानते हो मार्केट में अच्छा खासा, तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया मतलब मज़ा आएगा ट्रेडिंग के लिए। जितने भी क्रॉस ओवर, उसको अगर स्टॉप लॉस की बात करें, ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी है मेरा, स्ट्रेटेजी कोई और स्ट्रेटेजी नहीं है, बस मैं इन्हीं लेवल्स के साथ काम करता हूँ। और स्ट्रेटेजी की बात करें तो बस मेरे पास यही है, क्रॉस ओवर पे मैं एंट्री बार कई बार एंट्री वहीं से लेता हूँ या तो फिर मैं लेवल्स के आधार पर लेता हूँ। और स्टॉप लॉस सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे, एक 20 मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज, 10 और 20, ये दोनों हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे। कैसे कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देके ऊपर निकल जाता है तो फिर हम एग्जिट कर देंगे, सिंपल सा वही व्यू रखेगा। कभी कभार 10 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहाँ पे एग्जिट करेंगे, कहीं कभार हमें 20 मूविंग एवरेज तक वेट करना पड़ेगा, वो अभी मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से हमें तय करना पड़ता है, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। पर मोस्टली अगर आप नए हो तो 20 मूविंग एवरेज लेके चलो, इसके ऊपर ही जाता है तभी हम एग्जिट करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। या तो फिर दूसरा, यहाँ पर आप क्रॉस ओवर का वेट करना है, जब तक दूसरी बार ये क्रॉस ओवर नहीं होता है तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। मान लो कि आज निफ्टी में हमें कहाँ पे सेलिंग क्रॉस ओवर दिखा, इसका यहाँ पे जो 17,930 एकदम टॉप पे सेलिंग देखने को मिली कि नहीं मिली, कहाँ तक उसका क्रॉस ओवर कहाँ तक नहीं हुआ, यहाँ तक नहीं हुआ है। या तो फिर क्लोजिंग कहाँ तक नहीं मिली, यहाँ तक नहीं मिली, कितना बढ़िया मूवमेंट है, स्ट्रेटेजी कितनी है। बाकी अगर आप ऐसे ही स्ट्रेटेजी आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, अगर सर्च करोगे तो ऐसे हज़ारों वीडियो आ जाएंगे, मतलब पता नहीं इतनी स्ट्रेटेजी कहाँ से लाता है। जैसे कि कोई फैशन डिज़ाइनर, तो ये लोग हमारे मार्केट के फैशन डिज़ाइनर रोज़ एक नई स्ट्रेटेजी पैदा करते हैं अपने पास, है ना, कि जो मतलब ट्रेडर कम यूट्यूबर ज़्यादा होता है, डेली एक स्ट्रेटेजी, सुबह हुआ नहीं बस वीडियो डाल दिया, आज ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर काम करो उसके ऊपर काम करो। स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होता है, बस ये मैं भी इसलिए लगाया कि इसके इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मुझे एक मन में डर कम हो जाता है, और दूसरा हेल्प होती है, मतलब अभी भी मार्केट डाउन जा सकता है, डाउन जा सकता है, एक होप रहती है, कॉन्फिडेंस आता है बस कि हाँ ये क्रॉस ओवर हो गया। हालांकि इधर रिजेक्शन ले लिया था, पर अगर मान लो कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार सेल करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, पर यहाँ पर हमें वहीं पर ही सिग्नल मिलता है क्रॉस ओवर हुआ, अरे हाँ यार ये रिजेक्शन भी लिया है इसने लेवल से और यहाँ पे क्रॉस ओवर भी मिला, तो दोनों हमें कन्फर्मेशन मिला और कॉन्फिडेंस आया, तो वहाँ पे हम एक सेलिंग प्लानिंग बना सकते हैं। अगर वहीं पर भी नहीं कर सकते तो दूसरा लेवल्स ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं। तो बस सिंपल सा यही ये सेटअप है मेरा, अगर इसी को आप फॉलो करोगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लॉस हो, आप प्रॉफिट ना बना पाओ, ट्रेड ना बना पाओ, होगा मेरे साथ भी यही हुआ होगा। पर इसके ऊपर आप बार बार ट्रेड करते रहोगे, बार बार आप इसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप इसके ऊपर आप एक्सपर्ट बन जाओगे। कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम करो, आपको जो भी स्ट्रेटेजी जमती है उसके ऊपर बस प्रैक्टिस चाहिए, आपका हाथ साफ सफाई होना चाहिए, अपने आप बाद में आप अपने आप उसके ऊपर आप एक्सपर्ट बन जाओगे, है ना। तो सिंपल सा यही था बस, अभी इसी नॉलेज के लिए, ऐसी स्ट्रेटेजी के लिए लोग आपसे 1,000 1,000 2,000 2,000 पता नहीं कितने चार्ज कर लेते हैं, और आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है तो भी आपको कुछ कदर नहीं है, और आपके पता नहीं लाइक्स का बटन दबाने में आपके हाथ कांप रहे हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक करने में आपको क्या होता है, तो चलिए अभी वो तो आपकी मर्ज़ी, लाइक करना है नहीं करना है, शायद आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा हो तो फिर डिसलाइक करो, तो मुझे समझ में आया कि आपको वीडियो भी पसंद नहीं आ रहा है, डिसलाइक भी नहीं मिल रहा, लाइक भी नहीं मिल रहा, तो क्या समझे इस प्यार को क्या नाम दूँ, है ना। तो सब छोड़िए, अभी
हम थोड़े एनालिसिस से थोड़ा ज़्यादा बाहरी जा रहे, तो अभी सिंपली लेवल्स आज भी सेम वही, अगर इसके मैं आपको कलर चेंज कर दूँ दो लेवल्स के, बाय और सेल्स के, तो आपको क्लियर थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। इसके ऊपर अगर इसके बीच में ओपन होता है निफ्टी, तो इसके ऊपर निकलता है तो बाय रहेगा, टारगेट ये दो रहेंगे, और इसके नीचे निकलता है तो वहाँ पे हमारा सेल रहेगा, सपोर्ट पे आता है। अगर सपोर्ट लेता है यहाँ पे तो एक बार अगर कैंडल्स कोई मिलता है पॉजिटिव तो बाई करने का ट्राई करेंगे, पर एग्रेसिव बुलिंग हो बुलिश होके या पोजिशनल ट्रेड लेके अपर साइड की ओर अभी मत जाना, क्योंकि अदानी का ये जो इश्यू चल रहा है जो भी हो मार्केट में, हो सकता है बड़ा हो बड़ा फॉल आने को आता हुआ दिख सकता है, अभी आता हुआ दिख सकता है नहीं, पर मेरे को लग ही रहा है कि आएगा ही आएगा, एक फॉल देखने को मिल सकता है, हो सकता है मतलब मार्केट के सारे जो भी पिछले गैप है जो भी सपोर्ट है वो टेस्ट होने जा सकते हैं। अभी रेसिस्टेंट तो सारे टेस्ट हो गए, हमें किसी कोई भी हो चार्ट पैटर्न कुछ भी हो लेवल्स का ब्रेकडाउन मिला, रेटेस्ट हुआ, और इसका अगर कंटिन्यू दिखता है तो हमें मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको एक बस एडवाइस दूंगा कि अभी बैंक निफ्टी में मतलब बैंक्स में लॉन्ग जाना अभी थोड़ा इग्नोर करें, पोजिशनली में बात व्यू मत अभी रखे अपर साइड, थोड़ा सेलिंग के लिए सोचे, मतलब आपको एक व्यू आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी आपको क्या करना है। सेलिंग के लिए भी मैं आपको नहीं बोलूँगा कि अभी कल से ही आप सेल कर दो, आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो, बस ये जो व्यू था वो आपको मैं बताया, आपको मतलब सावधानी रखिए, अपने क्वांटिटी को कम करना है और कम क्वांटिटी में काम करना है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा टाइट रख के चलना है, कल एक्सपायरी डे है, वॉलेटिलिटी कल भी हमें देखने को मिल सकती है, अच्छा खासा मूवमेंट्स देखने को मिलेगा, आज यूएस का जो इवेंट्स है कुछ उसके भी रिपोर्ट आने वाला है, तो उसका भी हमें रिएक्शन कल अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर देखेंगे डाउ जोन्स, नैसडेक और एसजीएक्स सारे नेगेटिव पड़े हैं, एसजीएक्स की अगर बात करें तो एक साइडवेज टू पड़ा है, साइडवेज पड़ा है, डाउ जोन्स नैसडेक की बात करें तो 1-1% दोनों गिर चुके हैं यहाँ पे, अच्छा खासा कल हमें फॉल देखने को मिल सकता है। ये तो अभी कल क्या होगा, लेवल्स के ऊपर चलना है, ऐसा नहीं करना है कि सुबह होते ही कि हम सेल करने के लिए बैठ जाएंगे, नहीं पहले मार्केट ओपन होने देना है, सस्टेन कहाँ पे कर रहा है, क्या रिजेक्शन कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वो पूरा देखेंगे, बाद में ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इसके नीचे एग्रेसिव सेलिंग लेवल्स, ये लेवल से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, निफ्टी के कल के जो लेवल्स दिए थे वही के वही सेम, ऊपर के लेवल्स कम कर दिए, ये अगर ज़्यादा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आता है तो हमारे पास ये रेंज रहेगा, इसके बाहर अगर निकलता है बाय चांस तो जैसे कि आपको अभी मैं ये दो ईएमए का आपको बताया, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाओ और स्टॉप लॉस को जैसे आपको बताया उस हिसाब से आप ट्रेल करते जाओ, बहुत मज़ा आएगा, यूज़ करो उसको, प्रैक्टिस करो, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बन पाओगे आप। तो ये व्यू है निफ्टी में, अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स देखें, यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो बुलिश कब होना है तो 42,000 के ऊपर, मतलब ये ट्रायंगल में अगर घुसता है बैंक निफ्टी तभी हम बुलिश व्यू लेके चलेंगे, और बाकी सेलिंग की अगर बात की जाए तो एग्रेसिव सेलिंग कब करेंगे, जो कि आज का लेवल्स दिया है 39,400, ऑलमोस्ट 500, 485, ये लेवल्स हमारे पास है, इसके नीचे अगर सस्टेन होने लगता है तो एक पोजिशनल व्यू भी लेके चल सकते हैं, हमें बहुत बढ़िया एक शार्प फॉल या जो भी हो पोजिशनल फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके नीचे टारगेट क्या रहेंगे, अभी मैं चार्ट के ऊपर प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, आपको याद रखना है सिंपली जो अभी मैंने आपको दिखाए थे 1 डे टाइम फ्रेम पे जो गैप्स था, शायद 39,000 के नीचे जा रहा है, तो पहला एक ये लेवल्स लेके चलेंगे 39,200, शायद वही है ना, थोड़ा बड़ा करेंगे इसको, मतलब इसी दिन का लो 39,300, मतलब इससे 150 पॉइंट नीचे है, 150-200 पॉइंट, अगर वो भी लेवल्स ब्रेक होता है ये वाला, चलिए यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, तो फिर हमें ये गैप फिल होता हुआ देखेगा, और पोजिशनल व्यू
39,400-39,500 ब्रेक होता है, तो फर्स्ट टारगेट पोजिशनल अगर बात करें तो 39,38,500, और उसके नीचे फिर ये वाला स्विंग रखे रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना है, क्वांटिटी कम रखना है, एक ही लॉट में काम करो, और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड्स के हिसाब से लेके चलना है। और इसकी मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आपको लेके ही चलना है, अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसके जवाबदार आप ही रहोगे। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही ट्रेड आप अपने बना सकते हो। तभी इंट्राडे लेवल्स सिंपल से यही लेवल्स रहेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कहाँ पे बुलिश व्यू है आपको मैं बता दिया, कहाँ पे बियरिश व्यू है, कौन सा लेवल से 39,500, उसके नीचे ही हम एक एग्रेसिव बुलिश व्यू लेके चलेंगे। बाकी इन लेवल्स पे कहीं भी सपोर्ट रेसिस्टेंस लेता है तो वहाँ पे हम एक सेलिंग व्यू, सेलिंग और बाइंग मतलब इसी रेंज में एक सपोर्ट पे बाय और रेसिस्टेंट पे सेल वो लेके चलेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खास याद रखना है, और दूसरा इसके ऊपर हम एग्रेसिव बाइंग करेंगे, मतलब एक पोजिशनल व्यू लेके जाएंगे, वहाँ पे पॉजिटिव व्यू रखे रहेगा हमारा। पर मोस्टली अगर आप बाय व्यू बनाना चाहते हो तो ये वाला लेवल्स हमारे पास रहेगा बैंक निफ्टी में, जो कि लेवल्स आपके पास आएगा 14,800 का। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल निकलता है, इसको अगर मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ 20 मूविंग एवरेज, और इस सपोर्ट मतलब जो भी है ये वाला एरिया अगर ऊपर की साइड निकलता है 10 और 20 का मूविंग एवरेज, 40,930 या 750-70 से ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ से हम बाइंग प्लानिंग करेंगे। टारगेट रहेंगे हमारे ऊपर साइड की तरफ 41,400, फर्स्ट टारगेट हम 41,000 तक लेके चलेंगे, 1,150 वहाँ तक लेके चलेंगे। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा अपर साइड की तरफ 41,400, थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 41,550, और फोर्थ टारगेट अगर बाय चांस बहुत बड़ा हमें मूव देखने को मिल सकता है तो आज के दिन का हाई रहेगा, और वहीं से हमें रिजेक्शन मिलता है कहीं भी, मान लो कि साइडवेज खुला, गैप अप खुला, यहीं कहीं से रिजेक्शन मिलता है तो सेल करेंगे। टारगेट रहेगा हमारा 40,150, फिर 40,000, फिर उसके बाद का टारगेट रहेगा 39,500, और उसके नीचे हमारा एग्रेसिव सेलिंग है ही। मान लो कि यहीं कहीं बैंक निफ्टी ओपन होता है, वहीं से ही फॉल करने का ट्राई करता है, तो वहाँ पे कुछ टाइम उसको सस्टेन करने देना पड़ेगा, और कुछ भी बॉक्स पैटर्न हो, कोई भी हो, कंसोलिडेशन अगर करके बाद में ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम वहीं से भी प्लानिंग कर सकते हैं, सेलिंग प्लानिंग, और उसको ट्रेलिंग के साथ, या तो फिर कोस्ट टू कोस्ट, यहाँ पे अगर मान लो कि गैप डाउन खुला और सीधा अगर ब्रेक डाउन करता है तो एक आप सीधा नहीं पर कुछ 10-15 मिनट सस्टेन होके ब्रेक डाउन करता है तो वहाँ पे एंट्री बना लेना है, कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस रख देना है। मतलब 50% टारगेट मान लो कि यहाँ तक आ गया, यहाँ पे हमने सेल किया और यहाँ तक आ गया बैंक निफ्टी, फिर स्टॉप लॉस को हम कोस्ट टू कोस्ट रख देंगे या 20 पॉइंट का रखेंगे, और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर मान लो कि वो कंटिन्यू हमें डाउन साइड फॉल देता है, ये लेवल्स वो ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर आप चाहो तो उसको पोजिशनल लेके भी जा सकते हो, कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस रखते तो आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया डाउन साइड रैली देखने को मिलेगी। पर कल एक्सपायरी है, अगर वो प्लानिंग आप करोगे तो नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट या जो भी हो आप सेल कर रहे हो, नेक्स्ट एक्सपायरी का आपको लेके जाना पड़ेगा ऑप्शन, वो ध्यान में रखना है क्योंकि कल एक्सपायरी है। गलती से भी कल की एक्सपायरी में काम मत करना, अगर वो व्यू ले पोजिशनल व्यू लेके जाना है तो बस अभी बैंक निफ्टी में सिंपल यही व्यू है हमारा, लेवल्स आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था, इतना ही व्यू रहेगा। वीडियो आपको अभी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसे एनालिसिस वाले व्यू
अच्छे क्वालिटी वाले फ्री में उनको भी मिलेगा, उनको भी हेल्प होगा ट्रेड बनाने में, प्रॉफिटेबल रहने में। तो बस यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।